नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडियो कैसेट को, वीडियो कैसेट को। ऑडियो वीडियो कैसेट क्या है? ये एक स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। अब आपके पास कोई ऑडियो सिग्नल है उसको आप स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, कोई वीडियो सिग्नल है उसको भी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज से 10 साल 5 साल पहले अगर आप देखें तो जब ये टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, मोबाइल फोन वगैरह और ये सब चीजें आम नहीं थी अभी, उससे पहले सॉन्ग्स को सुनने के लिए या कोई किसी किस्म का कोई डाटा आपने इन दी फॉर्म ऑफ ऑडियो सिग्नल स्टोर किया होता है, हम कैसेट्स को इस्तेमाल करते थे। तो ये आपके सामने एक डायग्राम भी बनी हुई है एक कैसेट की, इसको हम इस्तेमाल करते थे। इसके अंदर डाटा को रिकॉर्डिंग यानी स्पेशली जो साउंड की रिकॉर्डिंग की जाती थी और बाद में टेप रिकॉर्डर के अंदर आप इसको इंसर्ट करते थे और दोबारा से आप इसको सुन सकते थे। स्पेशल टेप्स होती थी जिसके अंदर हम इसको यूज करते थे। इसी तरह से एक वीडियो कैसेट भी होती है जो इससे साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, उसको हम इस्तेमाल करते थे वीसीआर के अंदर। वीसीआर के अंदर उस कैसेट को इंसर्ट किया जाता था और उसके अंदर मूवीज होती थी, डिफरेंट वीडियोज होती थी, और भी डाटा हो सकता है जो हम स्टोर कर सकते हैं। मोस्टली इसको हम जो हमने जो देखा वो मूवीज के लिए हम यूज करते थे, देखते थे इसे, तो उसकी हेल्प से मूवीज देखी जा सकती थी। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स जब होती थी उस वक्त ही ये बात है। ओके, तो आप इसको यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग द ऑडियो सिग्नल एज वेल एज वीडियो सिग्नल, तो दोनों पर्पसेस के लिए ये इस्तेमाल होती थी। अब हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हमारा मेन जो पर्पस ये है, हम स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक ये सब टॉपिक है, और उसके अंदर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं ये चीज हमें समझनी है। क्योंकि कैसेट तो भले ही हम अभी यूज ना करें, हमारे यूज में ना आए, लेकिन इस प्रिंसिपल को समझना जरूरी है क्योंकि इसकी बेस के ऊपर हम नई डिवाइसेस को डिस्कस कर सकते हैं और बहुत सारी डिस्कवरीज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम इस ऑडियो टेप के अंदर, सॉरी ऑडियो कैसेट के अंदर ऑडियो को, साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं और किस तरह से दोबारा उसको साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम समझते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये बताएं, रिकॉर्डिंग हम देखेंगे किस तरह आप साउंड को इसमें रिकॉर्ड करते हैं। आप कोई भी बातचीत हो या सिग्नल हो साउंड का, कोई म्यूजिक हो, कोई सॉन्ग हो, उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइक्रोफोन के पास लाएंगे, उस साउंड सिग्नल को माइक्रोफोन चेंज कर देता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे जाता है, मूव करता है कैसेट की, ये एक टेप है मेन टेप और ये एक हेड है कैसेट का, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर, ये इस पॉइंट के ऊपर हेड होता है। यहाँ पर देखें इसके अंदर ये जो दो रील्स चल रही हैं, ये एक ये रील होती है, दूसरी ये रील होती है। इस रील के ऊपर ये एक टेप लगी हुई है, ये टेप बेसिकली एक होती तो ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है, लेकिन इसके ऊपर एक कोटिंग की होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे मटेरियल होते हैं? ये इस तरह के मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर लेते हैं, आप यूं कह लें आप। तो ये क्या करते हैं, ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से ये हमारे पास टेप होती है, ठीक है, और ये वो प्ले हेड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वो प्ले हेड है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस प्ले हेड में पास करता है, इसके अंदर यहाँ पर एक क्वाइल लगी होती है, ये आप देख सकते हैं क्वाइल है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी ये बेसिकली करंट ही होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो जब इससे पास करता है तो हम जानते हैं कि करंट जब किसी भी कनेक्टर से पास करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो क्योंकि ये भी एक क्वाइल है, एक कनेक्टर की क्वाइल बनी हुई है, तो इसमें से करंट पास करेगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड यहां से आएगी। अब इसके साथ साथ ये वो टेप है जिस टेप की मैं बात कर रहा हूं, ये टेप चल रही है, इस टेप के ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगा हुआ है, उसकी कोटिंग हुई हुई है। जैसे जैसे ये टेप आगे को बढ़ती जाएगी, इधर से साउंड आता जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें पास किया, इसने उसको मैग्नेटिक फील्ड बनाई, वो मैग्नेटिक फील्ड जब इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर पड़ती है तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो अब यहां पर आपने जो बात नोट करनी है वो ये, देखें इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो कम या ज्यादा हो रहा है कंटिन्यूसली, इसका मतलब है ये चेंजिंग करंट आ रहा है, तो इसमें कभी करंट ज्यादा पास करेगा, कभी करंट कम पास करेगा। लेट सपोज ये इस पॉइंट के ऊपर अब जरा आप पहुंचते हैं, ये पॉइंट जो है यहां पर कम करंट का मैग्नीट्यूड है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी कम बनेगी, और उस वक्त जो पैच चल रहा है इस रील का, ये जो हमारे पास पट्टी चल रही है, वो कम मैग्नेटाइज होगा, थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी,
थोड़ा मैग्नेटाइज होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होगा। और जैसे जैसे ये सिग्नल आगे चलता जाएगा ये अपने पीक पर पहुंचेगा। अब इस वक्त जब इस पॉइंट पर आएगा तो यहां पर मैक्सिमम करंट पहुंचेगा, ज्यादा करंट यहां पर पहुंचेगा तो ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जब इस रील के ऊपर आगे बढ़ेगी तो ये क्या होगा, ये जो हमारे पास टेप चल रही है, ये टेप का ये वाला पोर्शन जो इस वक्त इसके सामने हुआ वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसी तरह इसमें जो मैग्नीट्यूड है करंट का कम या ज्यादा होता रहता है, उसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड कभी ज्यादा और कभी कम होती रहती है। साथ साथ रील भी चलती जा रही है तो कोई उसका इतना सा पार्ट होगा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके पिछला पार्ट थोड़ा कम मैग्नेटाइज, उससे पिछला और ज्यादा स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज, इस तरह से कुछ पैचेस बन जाते हैं इसके ऊपर, कोई स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज, फिर कम मैग्नेटाइज, कोई कम ज्यादा मैग्नेटाइज, कोई थोड़ा सा कम मैग्नेटाइज, इस तरह से ना इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में सिग्नल स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक ऑडियो सिग्नल को स्टोर कर सकते हैं इस मैग्नेटिक टेप के ऊपर। मैं फिर से बता दूं आपको किस तरह से आप स्टोर करते हैं। आप माइक्रोफोन के अंदर बातचीत करते हैं, कोई भी साउंड लाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर तब्दील हो जाता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचता है इस हेड के पास। इस हेड के अंदर एक क्वाइल लगी होती है, जब ये करंट इस क्वाइल से पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक चेंजिंग होती रहती है, क्योंकि साउंड के सिग्नल एक जैसा नहीं है। ये देखिए इसकी मैग्नीट्यूड करंट की चेंज हो रही है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी उसी रिस्पेक्ट से चेंज होती है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर ये चल रही है, इसका नाम क्या था, ये टेप जो चल रही है इसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग हुई है, तो वो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहीं भी ज्यादा मैग्नेटाइज, कहीं भी कहीं पे थोड़ा मैग्नेटाइज, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में इसके ऊपर सिग्नल स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से हम ऑडियो की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं। दिस डिवाइस स्टोर द डाटा ऑन द बेस ऑफ मैग्नेटिज्म। डाटा को स्टोर करने के डिफरेंट तरीके थे, हमने पढ़े थे। हम ऑप्टिकल वे में डाटा को स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। हम इलेक्ट्रॉनिक वे में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल को, चिप्स को यूज करते हुए, आईसीज को यूज करते हुए जैसे यूएसबी है, और इसके अलावा हम मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए भी इसको डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो हम आपने देख लिया कि हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हम ये डाटा स्टोर कर रहे हैं। ओके, इट स्टोर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में डाटा स्टोर करते हैं। ओके, माइक्रोफोन चेंजेस द ऑडियो सिग्नल टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इट मूव्स अक्रॉस द हेड ऑफ द कैसेट रिकॉर्डर, दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो मैं आपको बता चुका हूं, सारा सिखा चुका हूं। चेंजिंग करंट इन द क्वाइल प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक टेप इज मैग्नेटाइज्ड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द राइज एंड फॉल ऑफ द करंट। जैसे जैसे करंट ऊपर या नीचे आता जाएगा उसी के रिस्पेक्ट से ये मैग्नेटाइज होती जाएगी टेप। ओके, तो ये था हमारे पास इसको किस तरह से हम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से वापिस इस कैसेट से डाटा को हम ले सकते हैं, जो डाटा इन द फॉर्म ऑफ साउंड हमने इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर किया था, वापिस कैसे लेंगे। तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसी तरह से इसका जो हमारे पास ये एक सेटअप है कैसेट का, एक ये रील है जिसको टेप रील कहते हैं, ये टेकअप रील जो कि इससे मूव करती हुई रील को कलेक्ट कर रही है। अब रील के ऊपर ये जो हमारे पास टेप चल रही है, इस टेप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में डाटा स्टोर होता है। ओके, अब होगा क्या, जब ये टेप इस हेड से गुजरेगी तो क्या होगा, अब ये हेड बिल्कुल सेम चीज यही मटेरियल होगा, ठीक है, ऐसा ही। जब ये टेप यहां से चलेगी अब क्या होगा, यहां पे कहीं पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हुई है, कहीं पे कम मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हुई है। जब यहां से पैच गुजरेगा इस पॉइंट के सामने, वो पार्ट आया कि जिसकी मैग्नेटिक फील्ड हाई है, यानी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हुई थी, तो कभी कम कभी ज्यादा यहां से गुजरती जा रही है, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इस क्वाइल तक पहुंचती है। ये जो क्वाइल है, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जब किसी भी क्वाइल में आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है।
अब ये मैग्नेटिक टेप जा रही है जिसके ऊपर कहीं पे ज्यादा फील्ड है, कहीं पे कम फील्ड है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, इस तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में सिग्नल स्टोर था। जब जब ये आगे इस तरफ मूव करता जाएगा, इस पॉइंट पे कभी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास कराएगा, इससे कॉइल से गुजरेगी, कभी कम मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से गुजरेगी, तो उसकी वजह से इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। फिर से सुन ले, कॉइल के अंदर करंट कैसे इंड्यूस होता है, अगर हम उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें। तो ये जो टेप थी इसके ऊपर सिग्नल स्टोर था, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड कम थी। जब ये सिग्नल यहां से टेप इस तरह से मूव करती है, इस पॉइंट के ऊपर कभी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो कॉइल से पास करा देता है, कभी कम मैग्नेटिक फील्ड आती है वो भी कॉइल से पास करा देता है। तो इस कॉइल से कभी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी और कभी कम मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कर रही है, उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट हो गया है ना, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को थोड़ा एम्पलीफाई करके बढ़ा के हम दे देते हैं लाउड स्पीकर को, वो उसको दोबारा से साउंड के अंदर चेंज कर देता है और हम उस साउंड को सुन लेते हैं। एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, यहां से ये जरा गौर से देख लें। टेप इज मूव्ड पास्ट द प्लेबैक एंड हैड चेंजेस इट इन द मैग्नेटिक फील्ड on the tape induced alternating current signals on the coil। अब होता क्या है, जब टेप मूव करती है वापस उस प्लेबैक के ऊपर, प्लेबैक हेड के ऊपर, तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हुई थी वो चेंज कर देती है जी, इस चेंज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल, एसी करंट सिग्नल के अंदर, और वो दोबारा से हमें मिल जाता है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है और लाउड स्पीकर पे भेजा जाता है। दिस करंट सिग्नल आर एम्पलीफाइड एंड सेंट टू द लाउड स्पीकर। इस सिग्नल को आप एम्पलीफाई करते हैं और लाउड स्पीकर की तरफ भेज देते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब लाउड स्पीकर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेंज कर देता है साउंड के सिग्नल के अंदर, जो कि उसका फंक्शन है। इस तरह से हम डाटा ऑडियो कैसेट के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं और उसको दोबारा से रीड भी कर सकते हैं। बात करें अगर वीडियो कैसेट की, तो उसके अंदर भी सेम प्रोसीजर इसी तरह से होता है कि डाटा को हम इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेप के ऊपर स्टोर कर देते हैं और फिर दोबारा से उस टेप से हम डाटा को रिसीव कर लेते हैं जब हम उसको वीसीआर के अंदर टेप को इंसर्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं फ्रीली, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।